महानगर सहारनपुर की पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में सहारनपुर के अन्य पार्षदों ने वसीम रिजवी द्वारा की गई टिप्पणी पर अपना रोष जताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा, जिसके द्वारा पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि कुरान मस्जिद आसमानी किताब है। पिछले 1400 सालों से इसके जर ए जब्र में ना कोई फेरबदल हुआ है ना, इसीलिए वसीम रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने कुरान मस्जिद की 28 आयतों को डिलीट कराने की जो अर्जी न्यायालय में लगाई है यह बहुत निंदनीय है। ये व्यक्ति दिमागी तौर पर अपना संतुलन खो चुका है और हिंदुस्तान के अमन को खराब करना चाहता है। ऐसे बदमस्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई कर इनके असली ठिकाने जेल या पागलखाने में पहुंचाना चाहिए। हम सभी सहारनपुर महानगर पार्षद महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर पार्षद सरसर शहजाद मलिक, पार्षद 61 फुरकान मलिक, पार्षद 36 शाहिना परवीन, पार्षद 49 शमा परवीन, पार्षद 65 शहीद कुरेशी, पार्षद 31 सलीम अहमद, पार्षद 11 महराज नसीम आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग सहारनपुर नगर निगम के पार्षदगण हैं, सभी साथी, और जो आज हम लोगों की इकट्ठा हुए हैं, कुछ साथी चले भी गए। आज हम लोगों की मीटिंग का उद्देश्य ये रहा कि वसीम रिजवी नाम के जो शख्स है, बदबख्त उसका नाम लेने में भी तकलीफ है, उस शख्स ने जो कुरान मजीद की जो 26 आयतों को डिलीट करने के लिए एक माननीय न्यायालय में अर्जी डाली है, उसके संज्ञान लेते हुए हम सब लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट साहब या डीएम साहब के थ्रू एक मेमोरेंडम भिजवाया है कि इस आदमी ये आदमी पहले भी ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करके अपने आप को लाइम लाइट में लाना चाहता है। ये आसमानी किताब है कुरान मजीद, 1400 साल में इसके जेर और जबर में आज तक कोई फर्क नहीं आया, तो इसके कहने से क्या फर्क आएगा? और इस आदमी के इलाज के लिए इसे पागलखाने या इसका जो असली घर है जेल भेजे और हिंदुस्तान के आईन को जिंदा रखे, ऐसी हमारी राष्ट्रपति महोदय से दरखास्त है सहारनपुर के तमाम पार्षदों की ओर से। एक मेमोरेंडम माननीय